नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूरा मामला जनपद कानपुर देहात थाना मूषा नगर का है, जहां थाने में तैनात बुलेट राजा के नाम से प्रसिद्ध SSI कृपाल सिंह का मूषा नगर थाने से मुंगीशापुर चौकी इंचार्ज के रूप में तबादला हुआ। विदाई समारोह में पुलिस महकमे के साथ SO दीपक सिंह तथा दर्जनों गांव के समाज सेवी लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत करते हुए नम आंखों से विदाई दी। जी हां, आपको बता दें, विदाई समारोह में SSI कृपाल सिंह ने आम जनता के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2.5 वर्ष के कार्यकाल में मेरे द्वारा अपराध को रोकने तथा थाना क्षेत्र के सभी पीड़ित लोगों की समस्याओं को मेरे द्वारा न्याय दिलाने का कार्य किया गया है। मैं आम लोगों से अपील करता हूं कि वह अपराध से दूर रहे और अपराधियों को लेकर सतर्क रहे तथा पुलिस का सहयोग करते रहे। ये जो कई माह कार्य करने के बाद थाना मूषा नगर में आज आपका हस्तांतरण हो रहा है, तो आम जनमानस के लिए या थाना क्षेत्र के लिए क्या जो है पैगाम देना चाहेंगे? मेरा ये सौभाग्य है कि मुक्ता देवी माँ के आशीर्वाद से मूषा नगर में मैंने तकरीबन 2.5 साल के आसपास लोगों की सेवा की है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज मेरा स्थानांतरण चौकी प्रभारी मुंगीशापुर के रूप में हुआ है। आज यहाँ से विदाई संभ्रांत व्यक्ति और सम्मानित व्यक्तियों ने मुझे दी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ की जनता और सभी लोगों के बारे में ये और कहना चाहूँगा कि जो भी करें, अब किसी के बहकावे में आकर ना करें, और जो भी किसी को सीख दें वो अपने मनोयोग से और एक अच्छे विचार उसे दें। किसी को आगे बढ़ाने के लिए उसकी टांग खींचना गलत है। हालांकि अमूमन यहाँ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ये विचार हैं यहाँ के लिए तो प्राय होता है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि थानाध्यक्ष महोदय दीपक साहब के अंडर रहते हुए इतना मार्गदर्शन और कार्य करने की कुशलता और उसमें जो चमक आई वो साहब की वजह से आई। और साहब थाने का जो डिसिप्लिन है और यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही काबिले तारीफ है, जिसकी वजह से मेरे जितने भी काम हुए हैं वो अमूमन हुए और होते ही चले गए। आज तक किसी में भी किसी ने भी किसी काम को मना नहीं किया। उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उस आपका आभार व्यक्त करता हूँ।